मारो मारो। हे, तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो ना? नहीं नहीं, हम बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश भी नहीं आता। और मैं विद्या के प्रेम में पढ़ता, मतलब विद्यालय में पढ़ता हूँ। बहुत हो गए बकवास, दोपहर के 12 बज रहे 12, ये स्कूल का टाइम है। हाँ, तो तू इधर क्या कर रही है? मुझसे शाना नहीं, तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कौन है? क्या तुझे पता है इसका पापा कौन है? मेरा नाम लो, मेरा नाम। ए गोलू, तेरी तो नहीं पता। तो हमें कैसे पता होगा? भाई शांत हो जा, शांत हो जा। बहुत हो चुका, इस बात को मैं ज्यादा देर छुपा नहीं सकती। मेरे पापा प्रिंसिपल है। क्या तुम्हारा पापा प्रिंसिपल है? जाओ जाओ बाहर में जाओ, हमारे मोहल्ले में प्रिंसिपल नाम का कोई लड़का नहीं रहता। अरे प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल। ओ मैंने गलत बोला, हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल नाम का कोई नहीं रहता। प्रिंसिपल है कौन? अरे क्या तुम्हें प्रिंसिपल को नहीं पता? अरे प्रिंसिपल वही है जो सुबह आके ताला खोलता है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो पानी वानी देता है ना वो है प्रिंसिपल। मेरे पापा को प्रिंसिपल से डायरेक्ट पियोन बना दिया। तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे, जो टॉयलेट साफ करते हैं वो है प्रिंसिपल। दीदी आप बोलो। अबे तुम लोगों को पांडू के बारे में पता नहीं है, मतलब पांडू सर। पांडू सर, ये कौन? वो पांडू की बात कर रहा है, डायरेक्ट बोलना। वो सब चोर, टीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ ऐसे ही टहल रही थी। वो सब ठीक है, टीना एक बात बोलो। हाँ कहो। तुम मुझे पसंद तो नहीं करती ना? छी, तुझे कौन पसंद करेगा? मतलब ऐसा सवाल क्यों? नहीं मैं किसी और लड़के को चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था मेरे वजह से कोई अपने हाथ की नस काटे। ओ, तुम दिन में भी सपने देखने लगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ हो लेकिन केश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब तुम तीनों हो तो केश भी यही होना चाहिए। उसे यहाँ पर क्यों लाएंगे? क्यों, क्या लाना चाहिए था? नहीं क्या? मेरा मतलब वो नहीं था। दोस्ती का मतलब स्वार्थ नहीं, साथ होता है। हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता लेकिन उसे अच्छा लगता है, हमारे वजह से उसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ उसे नहीं ला रहे। कितना केयर करते हो एक दूसरे का। बोलो ज्यादा ज्ञान मत दे, वो पढ़ेगा तभी हमारे नंबर आएंगे। हाँ भाई मैं यही करने वाला था। लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। लोगों का इश्क मोहब्बत हो गया, मैंने तुम लोगों का फोटो ले लिया, अब मैं जाके इसको अपने पापा को दिखाऊंगी। क्या तुमने हमारा फोटो लिया? ये देखो। अरे मैया भाई देखो, मेरा शक्ल अच्छा से नहीं आ रहा है। लेना है तो थोड़े अच्छे तरीके से लो, और लेने के पहले बोलना होता है, मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। जब ये फोटो मैं अपने पापा को दिखाऊंगी ना, मेरे पापा तुम लोगों के मम्मी पापा को कॉल करेंगे, तब भी उनके साथ तुम मजाके करते हैं। बात में तो दम है। इस न्यूज के बाद ज्यादा से ज्यादा हमें बेल्टों से मार सकते हैं, टपका भी सकते हैं। भाई क्या कह रहा है? ज्यादा से ज्यादा भाई मैंने सोचा है मैं IIT और JEE क्लियर करूंगा, लगता है विद्या मुझे बुला रही है। बैठ यहाँ पर। लेकिन अगर तेरे पापा को पता चला कि तू डेली आके शाम को यहाँ पर सुट्टा पीती है तो है? मैं नहीं पीती। तो हम भी कहाँ बंक मार रहे हैं? ये देखो एविडेंस। चल झूठी, मैं नहीं मानता। तो किस बेस पे कह रहा है कि मैं सुट्टा पीती हूँ? अच्छा हमने बर्बादी के पिक्चर अपने आँखों से देख लिया। क्या ये मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ही हूँ, फोटो एडिटेड है। तुम्हें पता है ना मैं सुट्टा नहीं पीती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है ना, तेरे पापा को तो नहीं पता। मैं अपने पापा पे भरोसा करती हूँ, वो भी मेरे पे भरोसा करेंगे। बात में तो वजन है, वो मानेंगे तो। हाँ। इसके लिए एक मस्त गवाही चाहिए चाचा। अरे बेटा कितना बार बोला है तुम लोग स्कूल के बच्चों, तुम लोग को बीड़ी देना मना है। क्या कंट्रोल? अरे अब इन लड़कियों के सामने तो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया। वो बेटा मैंने तो भूल ही गया, तुम लोग तो सिगरेट पीते हो। क्या यार चाचा को बंद करा, नहीं तो दारू पे आ जाएंगे। चाचा आपसे कुछ काम था? हाँ बेटे को हो। क्या अब इसके पापा को एक झूठ बात कह सकते हो कि डेली आके यहाँ पर सुट्टा पीती है? अरे बाप रे बाप, ये जुलूम मैं नहीं देख सकता, मुझे पक्का यकीन था। चाचा बेटा मैं आंख बंद कर लूंगा, वैसे भी बोलना ही तो है। मैं आपको 50 रुपया दूंगी। बेटा आप क्या बताओ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पहली बार लाइब्रेरी गया, आपके लिए ये किताब बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया। आपको तो साइड वाले पनवाड़ी को दे दूं। बेटा बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा पैसे मिल सकते हैं लेकिन ये किताब मतलब दोस्ती कभी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं अपने दोस्त के साइड में ही रहूंगा। अरे चाचा तब बता कौन किसको सॉरी कहेगा? सॉरी सॉरी मैंने कह दिया ना, वो प्लीज डिलीट कर दो। तुमने हमसे ऊंची आवाज में बात की और हमें फंसाने की भी कोशिश की। गोलू एक चांस दे दे। हाँ, हाँ, क्या करना पड़ेगा? तो दो धारा के तहत कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, वहाँ पे एक पोस्ट करो। दोस्तों बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता था। दोस्तों बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम आज से छिपा। पागल हो क्या? मैं ये सब क्यों लिखूंगी? अरे यार इंटरनेट मिले इसलिए इस टावर में बैठा साला, 438 KB का पिक्चर पहुँच ही नहीं रहा है प्रिंसिपल को। मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। गोलू डिलीट कर दे भाई सच्ची में। हाँ कर दे। शाम इसके पीछे क्या रहा है? क्या बताओ एकदम खंडर एकदम। बोलू तू कुत्ते की तरह क्यों हंस रहा है? भाई पीछे देखो। मैंने तो तस्वीर बस पोस्ट किया था, मैंने तो पब्लिक किया ही नहीं। मैंने भी कहाँ डिलीट किया है, रिसाइकल बिन में पड़ा होगा। क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई। डिलीट किया तो बताया क्यों? आपसे नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज फोटो डिलीट कर दो। हम लोफर और हरामी टाइप के लड़के होते तो दूसरा चांस देंगे। वो तो तुम हो।
खाली पीली बेइज्जती करा रहा है। क्या बोली? मतलब वो एक चांस दे सकते हैं तो तुम तो उनसे भी भले हो, तुम तो दो चांस दोगे। हाथ में तो दम है, लेकिन गलत गेस किया तूने। हम उससे भी बड़े हराम हैं। हमसे तो दूसरी चांस की उम्मीद मत कर। बाय बाय, अगले जन्म में मिलते हैं। बाय चिपकली। क्या?